हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विशेवी 888। गाइस, सीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करिए गाइज आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं कि आपका पार्टनर आपसे अभी क्या कन्फेस करना चाहता है। ठीक है, सो देखने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी मेरे व्यूअर्स से क्या कन्फेस करना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। रिसेप्टिविटी, कॉम्प्रोमाइज, कंपैरिजन, कंडीशनिंग, शिज़ोफ्रेनिया, स्ट्रेस, आउटसाइडर, बर्डन, पेशेंस एंड नॉट ट्रस्ट, एग्जॉशन। ओके डियर, सो आप कन्फेशन सुनिए, क्योंकि आपको कन्फेशन सुनकर ऐसा लगेगा कि ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो किया है डेफिनेटली कन्फेशन बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। जब भी कन्फेशन की रीडिंग करती हूँ उसी तरीके से कार्ड आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर से कन्फेस करना चाहते हैं। और मैंने आपको ये भी कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि जिंदगी एक बार ही आपको अच्छे से नवाजती है, ठीक है, तो इसलिए कदर करना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बार भी आपको अच्छा ही मिल जाए, ये बहुत ही ज्यादा लकी लोगों के साथ होता है। यहाँ पर रिसेप्टिविटी और स्ट्रेस का कार्ड है। सो पहला जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से जो पहला कन्फेशन, सारी कन्फेशंस को ना आप क्लेम करिएगा, ठीक है, ऑफकोर्स आपको कन्फेशंस क्लेम करने चाहिए कमेंट सेक्शन में जाके। पहला कार्ड है रिसेप्टिविटी का। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पहला कन्फेशन दे रहे हैं कि जो चीज इनकी लाइफ में इनका स्ट्रेस कम करता था क्या करती थी, वही चीज इस पर्सन ने अपनी लाइफ में खुद से गवाई है। ठीक है, रिसेप्टिविटी कार्ड बात करता है कि आपकी जो पर्सन है वो हमेशा ही आपसे लेते रहे हैं। और रिसेप्टिविटी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, यानी अनकंडीशनल लव की ऊर्जा होती है। और आपसे ये पर्सन हमेशा अनकंडीशनल लव जो है वो रिसीव करते रहे, आपसे हमेशा इस पर्सन ने अनकंडीशनल लव लिया है। ठीक है, आपने इस पर्सन को बहुत बांटा, बहुत बांटा, बहुत बांटा, एंड कहीं ना कहीं ये कारण बनता था कि इस पर्सन की लाइफ से स्ट्रेस रिलीज हो सके। इस पर्सन की लाइफ में वो सारी चीजें जो इस पर्सन को बहुत तकलीफ दे रही थी, वो सारी चीजें इस पर्सन के अंदर से रिलीज हो जाती थी। या फिर इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता था आपसे बात करना, और कुछ समय के लिए वो सारी टेंशनों से मुक्त हो जाते थे, यानी कि कहते ना लेट गो कर देना कुछ समय के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन का स्ट्रेस रिलीज कराने में बहुत मदद किए हो, एंड आपका जो प्यार था इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस रहने नहीं देता था। ठीक है, चाहिए आप 10 मिनट बात करें, आधा घंटा बात करें, 2 घंटा बात करें, जो जितना भी टाइम बात करें, बट आपका उतने समय का जो आप दोनों बीच में जो कॉन्वर्सेशन थी या जो लव था, जो भी था, वो इस पर्सन की स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत मदद करता था। और इस पर्सन को आपके रहते कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें ये एलिगेशन लगाया हो कि तुम्हारी वजह से मुझे स्ट्रेस मिलता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम जब से आए हो तब से प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। ठीक है, जब इंसान गुस्से में आता है तो ये सारी चीजें बोलता है, लेकिन जब अकेला बैठता है ना तो उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम का कारण क्या था। ठीक है, प्रॉब्लम का कारण असल में था क्या। ठीक है, वो इंसान जिसको आपने चार बातें सुना दी, या फिर वास्तव में आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के जो भी चीजें थी वो आपकी वजह से ही क्रिएट हो रखी थी, और आपने जो दोष है वो सामने वाले को दे दिया। मतलब कहने का ये है कि आपको मिलना चाहिए था रिवॉर्ड, क्योंकि आपका अनकंडीशनल लव इस पर्सन की लाइफ से स्ट्रेस को रिलीज करता था, बट आपको मिल गया क्या, एलिगेशन कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में स्ट्रेस है। ठीक है, ये यहां पर आपके पर्सन कन्फेशन दे रहे हैं, मतलब आपको मिलना चाहिए था, कहते हैं ना कि आप हकदारी थे किसी इनाम के और मिल गई आपको सजा। ठीक है, ये यहां पर मैसेज आया है, पहला कन्फेशन यही आया है। तो आपका पर्सन इस चीज के लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहा है, मतलब कन्फेस कर रहा है कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, कि जिन्होंने जिसको भी उन्होंने ये समझा कि वो उनकी लाइफ की स्ट्रेस है,
उनकी लाइफ का टेंशन है, वो उनकी लाइफ का प्रॉब्लम है, वही असल में प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला इंसान था, वही असल में ऐसा इंसान था जो उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता था, उनकी लाइफ में उनको भी स्ट्रेस से रिलीज करता था और बहुत खुश रखने की कोशिश करता था या करती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेज है। दूसरा कार्ड है कॉम्प्रोमाइज एंड आउटसाइडर। ओके, देखिए जब जब ना मैंने आपको कई बार गाइड किया है कि जब जब आप दुनिया के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे ना, आप हमेशा ही ना अपने आप को अलग ही पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं है ना गाइस, ठीक है, जैसे आप पांच उंगलियों को देखते हो ना, ये बराबर नहीं है। उसी तरीके से हर इंसान भी बराबर और एक जैसा नहीं हो सकता है इस दुनिया में, सारे ही अलग हैं। ठीक है, और आप जब भी ऐसा सोचेंगे कि मैं ऐसा हूं तो सामने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए, फिर वो भी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है जिस चीज को आप सही मानते हो, आप सही कर रहे हो आप अपने हिसाब से, वो सामने वाला नहीं समझ रहा उस चीज को। तो दूसरी चीज यहाँ पर जो होती है कि दिखावा होता है इंसान को, कि उसे दिखाना होता है लोगों को, लोगों के हिसाब से काम करना होता है। और आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे या कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखेंगे, कितने भी आप गुरुज को देखेंगे, सब एक चीज बोलते हैं कि जिंदगी में तुम जैसा बनना चाहते हो तुम वैसा बनो, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, लेकिन लोगों के हिसाब से मत अपनी जिंदगी खराब करो। यानी कि आपने लोगों के हिसाब से काम करना स्टार्ट किया और आप उन्हें खुश करने के लिए अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, पता चले लोगों का तो काम ही है, वो जब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप में कमियां निकालने आ जाएंगे, उन्हें आप कभी खुश कर नहीं सकते। तो इससे बेटर है कि आप ये सोचें कि मुझे जिंदगी भर अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना है या मुझे अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के साथ खुशी के साथ जीना है। ठीक है, आपके पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज करना चुना, ठीक है, और जिस जिस भीड़ के लिए उस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज करना चुना, और ठीक है, मतलब ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ करना चाहिए था ना कि उस भीड़ की तरफ। ठीक है, और इस पर्सन ने भीड़ की तरफ कॉम्प्रोमाइज किया, यानी कि उन्होंने उन चीजों के प्रति कॉम्प्रोमाइज किया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा सही है, ठीक है, ऐसे ही होता है, चीजें ऐसे ही चलती हैं। अब क्या हो रहा है, आउटसाइडर की एनर्जी। मैंने आपको बोला था कि जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं वही आपको कॉर्नर कर देते हैं। तो जब भी चुनाव का मौका आता है हमेशा ऐसा चुनिए कि सेल्फ लव की चीजों को चुनिए, जो चीज आपको पसंद आती है, घूमना पसंद आता है, करना पसंद, उसको करिए। ठीक है, सेल्फिश में नहीं, सेल्फिशनेस में नहीं, सेल्फ लव में। ठीक है, जो चीज आपको पसंद आती है, जैसे रहना आपको पसंद आता है, आप उनको चुनिए, बजाय इसके कि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में वो चुन लें जो बिल्कुल आपको, तो आपने तो चुन लिया, ठीक है, आपका तो जिंदगी का फैसला हो गया, अब आप जिंदगी भर उस चीज को आपको निभाना है और जिंदगी भर आपको ऐसा लगेगा कि काश मैंने ना किया होता, काश मैंने समय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होता। बहुत सारे लोग समय के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या फिर लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं दो तीन कारणों से, ये तो उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, दूसरा उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, उनके खुद के बिलीफ सिस्टम, तीसरा कुछ ना कुछ वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो मेरे पास कितना है, मैं तो मतलब मुझे तो सब कुछ सबसे अच्छा मिला हुआ है। ये सारी चीजें दिखावे की होती हैं और सामने वाला देखकर तो उसको तो लगता है कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है। आपको खुद को समझ में आता है जब आप जीना स्टार्ट करते हो कि आपकी जिंदगी में आप क्या जी रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सनल कन्फेशन है कि उन्होंने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके ऐसी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज किया जहां नहीं करना चाहिए था, और आज उन्हीं लोगों ने इस पर्सन को आउटसाइडर फील करा दिया, या फिर वही मतलब ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बढ़िया हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की कदर करते हो, एक दूसरे का साथ देते हो, सपोर्ट बनते हो, तो आप दोनों से बेटर आप दोनों के लिए कोई भी नहीं है। अब आप क्या करो, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ और करने लग जाओ, किसी और को इम्प्रेस करने लग जाओ, या एक दूसरे को दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए दूसरों को इम्प्रेस करने लग जाओ, दूसरों के हिसाब से काम करने लग जाओ। यहां पर क्या होगा, देखने वाले तो सब देख लेंगे, लेकिन अंत में हार सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की होगी जिसने अपना खोया है। ठीक है, तो ये आउटसाइडर उसी की बात कर रहा है कि जिनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जिनको खुश करने के लिए आपने ये सब किया, वो तो खुश हो गए, चलो उन्हें आपको उन्हें तो फिर भी खुशी नहीं होनी आपकी खुशी से। ठीक है, लेकिन ये है कि उनकी नजरों में आपने एक इमेज क्रिएट कर ली, लेकिन आप अंदर से खाली हो गए और उन्होंने आपको ही कॉर्नर कर दिया। बाद में पता चले कि आपको ही ऐसा रियलाइज हो रहा है उन लोगों के बीच में कि ये मेरे तरीके के इंसान ही नहीं है, या फिर ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब लोग हैं जिनके साथ भी मैं आ गया हूं या आ गई हूं, ये यहां पर नजर आ रहा है। हमेशा कंपनी उसकी चुनो जो आपके अंदर दो तीन चीजें जानता हो, आपके हंसी के पीछे आपका दुख समझने वाला इंसान, आपकी खामोशी समझने वाला इंसान, और कहीं ना कहीं आपको आपके बिना बोले आपको कहीं ना कहीं पढ़ने वाला इंसान। ठीक है, आप कब उदास हैं, कब आप दुखी होते हैं, कब आप बहुत खुश होते हैं, मतलब जो जिन जिस इंसान के साथ रहोगे वो आपको ऐसे समझने लगेगा, फिर उससे बेटर इंसान आपको आप ढूंढने जाओगे तो आप प्रॉब्लम्स में ही फंसोगे, ये चीज यहां नजर आ रही है। तीसरा कन्फेशन है कंपैरिजन। ओके, अब देखो कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन इंसान हमेशा करता है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि जो चीज इंसान के पास होती है उसे हमेशा वो दो कौड़ी की ही लगती है। ठीक है, और जो उसके पास नहीं है वो उसे करोड़ों का लगेगा।
ठीक है। तो जब आप उसके उस पर्सन के पास ऐसे ही आ गए, उनको ऐसे ही मिल गए, ऐसे ही सब कुछ चल गया, ठीक है, इतना आपने लॉयल्टी दी, इतना आपने इस पर्सन को रिस्पेक्ट किया, आपने इस पर्सन का इतना लव दिया, अनकंडीशनल लव दिया, इनका स्ट्रेस रिलीज किया, तो आप रद्दी के, वो कहते हैं ना रद्दी के भाव हो गए आप बिल्कुल ही, क्या बोलते उसको, कि आपको आपका वो समझे ही नहीं क्या मोल, ठीक है, आप दो कौड़ी के हो गए, ठीक है ना। और जो बाहर की चीजें थी, जो मतलब, और आप तो फिर इंसान क्या करता है, कंपेयर करना स्टार्ट करता है, अरे ये क्या है, मुझे तो इससे भी अच्छा कुछ मिल सकता है, यहां इंसान चूक जाता है, ठीक है, यहां इंसान चूक जाता है, ठीक है, कंपैरिजन करने में, कि उसे लगता है कि वो और भी अच्छा डिजर्व करता है, तो मतलब ये क्या है कि ये आप में ऐसा क्या है, ठीक है। तो आपको पहले तो आपकी बहुत यू नो रिस्पेक्ट रही, आपको बहुत वैल्यू किया गया, उसके बाद आपको दो कौड़ी का समझ लिया क्या, कि मतलब कुछ है ही नहीं आप, ठीक है, और आपको कंपेयर कर दिया गया बाकी लोगों के साथ, अब पता नहीं किसके साथ आपको कंपेयर किया गया, कंपैरिजन आया है तभी इंसान जाता है, ठीक है ना, कंपेयर किया और ऐसा लगा कि आपसे बेटर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं या फिर और कोई मिल सकता है, ठीक है। और यहां पर इंसान गलती करता है, क्योंकि बेहतर को अगर आप तलाश रहे हैं तो पहले बेहतरीन बन जाइए, ठीक है, तो हो सकता है कि आप बन जाते हैं तो यूनिवर्स आपको और बेहतर इंसानों से मिलवा दे। ये प्रकृति इस चीज पर कभी काम नहीं करती आप क्या मांगते हो, प्रकृति हमेशा इस चीज पर काम करती है कि आप किस चीज के लायक हैं, ठीक है, जिस चीज के लायक आप होते हैं वो आपको दिया जाता है। और जब आप जिद पर आते हैं कि मैं मुझे तो कुछ बड़ा चाहिए, मुझे तो बहुत सक्सेसफुल बनना है, मुझे तो कुछ बहुत अच्छा चाहिए, तो फिर प्रकृति आपका बहुत टेस्ट लेती है। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जैसे ही आप बड़ा करने की सोचते हैं या फिर जैसे ही आप कुछ बड़ा पाने के बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया आपके यू नो आपका ये कहते हैं ना टेस्ट, प्रकृति आपको आजमाती है कि ये वास्तव में जो मांग रहा है इसके लायक है भी या नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपको ऐसे ही तो कुछ नहीं देती है, ठीक है, वो आपको पहले उस तरीके का तैयार करती है कि देखती है कि ये क्या कर सकता है, कितना इसका पोटेंशियल है, अगर इसको गिराने की कोशिश करें तो क्या ये गिरेगा क्या, ठीक है, अगर लोग इसको कुछ गलत बोले तो क्या पीछे हटेगा क्या, अगर लोग इसे क्रिटिसाइज करें तो क्या ये अपनी बात से हटेगा क्या, ठीक है। तो मतलब आप देखिएगा, जब भी आप सक्सेसफुल बनने के रास्ते पर होंगे, चार लोग आकर आपकी बुराई कर जाएंगे, आपको रद्दी के भाव समझ लेंगे, मतलब ऐसा समझ लेंगे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और ये और बोल जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, सब बकवास है जो भी आप कर रहे हो, ऐसे इसे कौन करता है, आज के टाइम में तो ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो अपनी तरीके की चीजें बताने की कोशिश करेंगे कि देखो हमारे तरीके से काम कर लो। तो ये क्या होते हैं ना, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ना, ये यूनिवर्स के द्वारा लिए जाते हैं ये परखने के लिए कि आप जो चीज मांग रहे हो क्या आप सच में उसके लायक हो या सिर्फ आपने मुंह उठाकर मांग दिया ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं देने वाले, ठीक है, आपको अगर चाहिए तो उस चीज के लिए आप फिर तैयारी करिए, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग लव की डिमांड करते हैं, ट्रू लव को मांगते हैं, डिवाइन पार्टनर को मांगते हैं, डिवाइन पार्टनर क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, जिसको समझ में आ जाएगा उसके पास चीजें ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएंगी, ठीक है, तभी तक नहीं आ रही है चीजें जब तक कि आपको सच नहीं मालूम या आप चीजों को जानते नहीं है या फिर आपके अंदर एक ऑब्सेशन है, आपके पास कोई उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं है, ठीक है, प्रकृति आपको आजमा रही है कि आपके अंदर कितना कितना यू नो क्षमता है, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो आप क्या करते हो, आप कंपेयर कर देते हो, आप कंपेयर कर दिया आपने तो जज कर लिया, यानी दिमाग लगा दिया आपने, अब दिमाग आपने लगा दिया, लगाते वक्त तो लगा दिया, तो जब उस चीज का रिजल्ट आएगा तो भारी पड़ेगा। बर्डन का कार्ड दिखाता है कि इस इंसान के ऊपर बर्डन भी था, ठीक है, बर्डन भी था, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कंपेयर किया, ठीक है, कि यू नो आई डोंट नो ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन ने यू नो उनको लगा कि आपसे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर किसी चीज का बर्डन इस पर्सन के ऊपर था, प्रेशर था, तो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाए और कॉम्प्रोमाइज कर गए किसी ऐसी जगह पर जहां नहीं करना चाहिए था, और उनको ऐसा भी लगा आपके कंपेरिजन में कि वो चीजें ज्यादा बेटर है इस पर्सन के लिए, वो चीजें इस पर्सन को ज्यादा मतलब यू नो कहते ना कि वो इस पर्सन को ज्यादा कन्विंसिंग लगी, ठीक है, तो ये मुझे यहां पर नजर आ रहा है। तो कन्फेशन है डियर, ये भी आपके लिए, ठीक है, ओके। यहां पर कार्ड है कंडीशनिंग का एंड पेशेंस का। कंडीशनिंग कार्ड बात करता है कि आप क्या हो ये आप नहीं जानते, ठीक है, और जो ये नहीं जानता कि वो क्या है, वो हमेशा एक अभाव में ही जीता है कि मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे तो लोग बेकार मिले हैं, क्योंकि उसे सब चीज अच्छी चाहिए, उसे बाहर से सब कुछ अच्छा चाहिए, उसे बाहर से लोग अच्छे चाहिए खुश रहने के लिए, उसे बाहर से चीजें अच्छी चाहिए, तो उसे लगता है मेरा जीवन सुखी है, मैं सुखी हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ना तो खुद को जानता है ना ही उसे अपने बारे में कुछ पता है, और जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसकी आशाएं दूसरों से हैं, और दूसरों का तो काम ही है कि वो आएंगे आपकी आशाओं पे पैर रखेंगे और चले जाएंगे कुचल के, ठीक है। तो आपकी जो पर्सन है, ये इस पर्सन ने भेड़ चाल को फॉलो किया है, ठीक है, जैसे भेड़ें होती ना कि एक दिशा में चलती हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना के, ठीक है, तो उसी तरीके से
आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इन्होंने भी भेड़ चाल को फॉलो किया है और ये खुद एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अपना पोटेंशियल कब इंसान पहचानता है, जब वो अकेला होता है या फिर जब उसे रियलाइज होता है कि सारी पावर सब कुछ उसके अंदर है, जो उसके अंदर है वही बाहर मिल रहा है, जो उसके अंदर बना हुआ है ना वही बाहर से उसे रिसीव हो रहा है। जब उसने अपने अंदर चेंजेस करना स्टार्ट किया ना, जैसे इनर इंजीनियरिंग करके आजकल एक यू नो एक कोर्स है जो बहुत सारे लोग करते हैं, इनर इंजीनियरिंग। इनर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि अपने आप को पहचानो कि खुद तुम क्या हो। ऐसे दुनिया में कुछ है ही नहीं जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते अगर तुम खुद को जान गए तो, क्योंकि तुम क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। जो तुम दिन भर सोचते हो, बोलते हो, करते हो, उसी से तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा भविष्य निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जो भी आप सोचते हैं उसे वो भविष्य में जाकर क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कुछ जागृति नहीं है, कोई नहीं जानता, अवेयरनेस ज्यादा लोग पे है नहीं, तो बाहर की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, लोगों के जैसे बनना चाहते हैं, लोगों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, काश इसके जैसी होती, उसके जैसी होती। यही पर्सन ने आपके किया है। ठीक है, कि बाहर के लोगों से कंपेयर किया है, इसकी लाइफ ऐसी है वैसी है, और एक भेड़ चाल में चलने की कोशिश की है। जबकि कंडीशनिंग का कार्ड बात करता है कि पर्सन खुद बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, खुद बहुत अलग इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये इनको कभी समझ में नहीं आया है। ठीक है, कन्फेशन दे रहे हैं कि इस पर्सन ने ना तो कभी आपको अपने मतलब ना ही आपको कभी इस पर्सन अलग समझा, ना ही खुद को अलग समझा। उनको ऐसा लगा जैसे सब जीते हैं वैसे आप भी और ये पर्सन भी जीने के लिए आए हैं। ठीक है, और आपने हो सकता है इस पर्सन से ऐसा बोला हो कि आप कुछ डिफरेंट हैं, आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यू नो चीज लाइफ एक जैसी नहीं होती, लोगों को फॉलो मत करो, भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। बट हो सकता है इस पर्सन ने आपकी बात को रियलाइज नहीं किया या आपकी बात नहीं मानी। ठीक है, और इस चीज का कन्फेशन दे रहे हैं कि काश आपकी बात मानी होती और ये माना होता कि लोगों को फॉलो मत करो। ठीक है, फॉलो योर इनर कॉल, अंदर से क्या आवाज आती है हमेशा उसको फॉलो करो, अंदर से क्या बातें आ रही हैं उसको फॉलो करो, अंदर से कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो अंदर से आ रहा है ना वो आपकी खुशी है, जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है उनकी वो सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। ठीक है, और आपने इस तरह की चीजें इस पर्सन से बोली हो सकती है जिसको इस पर्सन ने फुल ऑन इग्नोर किया। और कंडीशनिंग का कार्ड बात करता है कि जो आपको समझा वही खुद को समझ लिया। ठीक है, और ऐसा लगा कि आप दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब एक जैसे का मतलब कि जैसे दुनिया है वैसी आप हो। बट हो सकता है आपने इस पर्सन से बोला हो कि आपको जैसे मानना है अपने आप को मानिए, लेकिन मैं तो दुनिया से अलग हूं और मैं कुछ अलग ही करूंगा या करूंगी, और इस पर्सन ने आपकी बात को नहीं माना। ठीक है, और अपनी चलाई। एंड यहां पर नजर आता है कि राइट नाउ एक पर्सन की एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता है कि आप सही थे और कन्फेशन दे रहे हैं। पेशेंस का कार्ड है। ठीक है, इस पर्सन ने ना बहुत पेशेंस मनाना सीख लिया है। ठीक है, पास तक इस पर्सन का ये होता था कि यू नो आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ब्लॉक, सीधा डिसीजन, कुछ चीज सोचना ही नहीं, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचना कि पहले क्या हुआ था, आगे इस चीज का रिजल्ट क्या आ सकता है, उठा के सीधा डिसीजन ले लेना। तो इस पर्सन में धैर्य आया है। ठीक है, और ये चीज आपके पर्सन ने आपसे सीखी है। एंड शिज़ोफ्रेनिया एंड ट्रस्ट, ये पर्सन ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी अपने दिमाग में इतनी उपज के कारण आपको ट्रस्ट नहीं किया, यानी कि इस पर्सन की क्रॉस रोड पर थे ये, कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो इस पर्सन ने उसको क्लैरिटी में लाकर लेकर आने की कोशिश नहीं की। ठीक है, आप पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, जरूरी था कि पर्सन क्लैरिटी के लिए आपसे बात करते और आप पर विश्वास करते, पर इन्होंने दोनों ही काम नहीं किए और आज एग्जॉस्टेड लाइफ जी रहे हैं। ये सारे कन्फेशन आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। ओके, सो गाइज आप इसे क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।